आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पीसी को स्पीड अप और जंक फाइल से फ्री कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। जब भी आप अपने पीसी को यूज़ करते हैं तो सिस्टम अपने आप ही जंक फाइल्स जनरेट कर लेता है, जिसके वजह से आपका पीसी धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो आप कैसे उस जंक फाइल्स को डिलीट करके अपने पीसी का स्पीड फिर से रीगेन कर सकते हो, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने पीसी को क्लीन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। आपको करना क्या, अपने पीसी में क्रोम खोलना है और क्रोम खोलते ही iobit.com के वेबसाइट में जाना है। वहाँ जाते ही ऐसा आपको एक वेब पेज दिखाई देगा, तो आपको करना क्या है, वहाँ पे एडवांस सिस्टम केयर 14 बोल के जो है, वहाँ पे आपको एक फ्री डाउनलोड दिखेगा, उसके नीचे आपको उसको क्लिक कर देना है। उसी को क्लिक करते ही आपका फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं अब आपको बताऊँगा कि कैसे आप उस सेटअप के थ्रू अपने इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप फ्री डाउनलोड करोगे तो इसका सेटअप आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना क्या है, उस सेटअप फाइल को खोलना है और वहाँ पे जाके राइट क्लिक करके आपको करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद एक पॉपअप आएगा, उसको आपको यस कर देना है और उसके बाद आपको एक ऐसा विंडो दिखाई देगा जहाँ आपको कर देना है इंस्टॉल। जैसे ही इंस्टॉल पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, एडवांस सिस्टम केयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने लग जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपका एडवांस सिस्टम केयर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको एक ऐसा विंडो दिखाई देगा। इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये है कि ये आपके पीसी को एकदम क्लीन कर देगा और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव बना देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे इसके फीचर्स है, प्राइवेसी स्वीप, जंक फाइल क्लीन, शॉर्टकट फिक्स, रजिस्ट्री क्लीन, डिस्क ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे करके इसके बहुत सारे फंक्शंस है, तो जिससे आपका पीसी एकदम क्लीन हो जाता है। अब मैं इसको स्कैन में क्लिक कर दूंगा, तो स्कैन में क्लिक करने से ये सारे आपके जंक फाइल्स और इनवैलिड शॉर्टकट्स, रजिस्ट्री एंट्री सबको क्लीन कर देगा और आपके पीसी को एकदम स्पीड अप कर देगा। फिर यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पीड अप, उससे क्या होगा, ये आपके रैम, जो रैम में कोई भी प्रोसेस चल रहा है जो यूजलेस है, कोई आपके काम का नहीं है, उसको क्लोज करके वो आपका रैम और स्पेस क्रिएट कर देगा कि आप अपना कोई भी काम एकदम स्मूथली कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टअप ऑप्टिमाइजेशन भी है, जो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर्स जब आप विंडो ओपन करते हो, अपना पीसी ओपन करते हो, तो बूट के टाइम में ही स्टार्ट हो जाता है, जो आपके बूटअप टाइम को कम ज़्यादा कर देता है और पीसी ओपन होने में टाइम लेता है। तो ये आपका क्या करेगा, जो भी स्टार्टअप आइटम्स है उसको क्लोज करके आपका बूटअप टाइम को कम कर देगा। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है इसके, और इस वीडियो में मैं आपको इसका की भी देने वाला हूँ, जिससे आप इसका प्रो वर्शन को एक्टिव कर सकोगे और इसके सारे प्रो फीचर्स को यूज़ कर सकोगे। प्रो फीचर्स क्या काम आएगा, यहाँ आपको इंटरनेट बूस्टर मिलेगा, विंडोज़ के कोई भी एरर आ जाते हैं तो उस एरर को फिक्स करने का भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, रजिस्ट्री भी आप क्लीन कर सकते हो, डिस्क क्लीन कर सकते हो और बहुत सारे इधर फंक्शंस है। और मैं सच्ची में इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर चुका हूँ और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपका पीसी एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम यूज़ करने में एकदम मक्खन जैसा चलेगा। तो मैं आपको इसका की भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और की को यूज़ कैसे करना मैं आपको वो भी अभी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्योंकि पहले एक्टिव करके रखा है, आपको करना क्या है, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा एंटर कोड, उस एंटर कोड को क्लिक करते ही एक ठू नया विंडो खुल जाएगा, वहाँ पे जहाँ आपसे इसका लाइसेंस की मांगा जाएगा। जो भी लाइसेंस की मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो उसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके एंटर कर दीजिएगा। तो एंटर करते ही आपका ये जो सॉफ्टवेयर है प्रो वर्शन के लिए एक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपके पास आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन रहे, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर होगा। तो और उसके बाद अगर एक्टिव हुआ है नहीं कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको पहले फ्री लिखा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रो एक्टिव कर लोगे तो यहाँ प्रो लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको माय सब्सक्रिप्शन में जाने से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइसेंस एक्टिव हो चुका है। तो यही था इस वीडियो में। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।